अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। ऑयल डाल दिया। मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ आलू, गाजर, मटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, ये मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गर्म हो रहा है। इसमें मैं डालूंगी राई। राई ऐड कर दिए मैंने हल्की सी। ठीक है, अब ये जब तक कड़कड़ाती नहीं है जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। आधा स्पून मैंने राई डाली है इसके अंदर। ठीक है, अब ये थोड़ी गर्म होगी फिर उसके बाद ऐड करेंगे। बाकी इसके अलावा मैंने लहसुन अदरक कूट कर रख लिया है। देखिए राई हमारी कड़कड़ाना शुरू हो गई है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत मिर्चें थोड़ी सी, ताकि ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गाजर और आलू। ये ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, आलू में थोड़ा टाइम लगता है तो इसको हम फ्राई करेंगे सही से। ठीक है, पांच से सात मिनट इसको फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि सब्जी में ये होता है कि सब्जी पूरी ऑलमोस्ट पूरी गल चुकी होती है, आलू रह जाते हैं। तो देखिए हमारे आलू भी कैसे फ्राई हो रहे हैं, गाजर भी, राई और साबुत मिर्चें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से मटर, ठीक है, वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं। मटर ऐड कर दिए मैंने थोड़े से। ठीक है, मटर के साथ साथ मैं डालूंगी इसमें अब टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन कुटा हुआ। बस ये दो से तीन मिनट फ्राई करूँ मैं इसको अच्छी तरीके से, और यकीन करें बहुत मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। अच्छा जी, ये ऐड कर दिया मैंने पूरा टमाटर, लहसुन अदरक कुटा हुआ, हरी मिर्चें, मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, ये ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको दो तीन मिनट चलाया। देखिए आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, कलरफुल। अब मैंने ये पालक, शिमला मिर्च और गोभी ये ऐड कर दी। ठीक है, अच्छी तरह धो के रखी हुई थी मैंने, थोड़ा थोड़ा सा स्लो करूंगी मैं इसका। अब मैं चलाऊंगी इसको सही से। ठीक है, चला दिया मैंने इसको अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी और नमक। नमक आप जितना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालिएगा। नमक हमारे घर में कम खाया जाता है तो मैं कम डालूंगी। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी। सर्दी आ रही है, सब्जी कोई सी भी हो बहुत मज़े की लगती है और सब्जी हमेशा ताज़ी अच्छी लगती है। अब मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ऐड कर दी मैंने इसमें, और सब्जियां हमेशा हरी मिर्चों में अच्छी लगती हैं, हरी मिर्चों में या कुटी हुई मिर्चों में। इसको अच्छी तरह चलाएं। ठीक है, अच्छी तरह चलाने के बाद इसको ढक्कन लगा दें, क्योंकि ये सारी सब्जी अपने ही पानी में गलेगी अच्छी तरीके से। ठीक है, सब्जी को मैंने अच्छी तरह चला दिया। अब मैं ढकती हूँ इसका ढक्कन। मैंने ढक दिया है इसको। अब मैं छोड़ी हूँ उसको हल्की आंच पे पाँच से सात मिनट के लिए। हम अपनी सब्जी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची सब्जी हमारी। ठीक है, सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। आप कलर देख सकती हैं कितना शानदार कलर आया है सब्जी का।
अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसका मैं ढक्कन ढक रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ सब्ज़ी। मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।